अब जब मैंने ये सोचा कि इसकी सर्जरी करानी चाहिए, तो उस केस के अंदर मुझे ये लगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल थे मेरे पास, कईयों के नी परमानेंटली ख़राब हो गए या फिर उनकी स्टिक पकड़ के ही चल रहे हैं या रिडन टू बेड हो गए। तो ऐसे में मेरे को बहुत डर लगता था और बहुत सारे लोगों को लगता था। उसी की वजह से मेरे जैसी 70 के एज में लोग नी ऑपरेशन कराने या रिप्लेसमेंट कराने के लिए थोड़ा डरते हैं। मैं बेसिकली बहुत खेल में बहुत इंटरेस्ट रखता था और मेरा दौड़ने की हैबिट थी और मैं करीब 17-18 साल की उम्र से करीब 4 किलोमीटर पर डे अर्ली मॉर्निंग वॉक करने की आदत थी और ये मैं कंटिन्यूड रही अप टू द एज ऑफ ऑलमोस्ट 50 इयर्स। उसके बाद में नी में पेन थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, तो उसके बाद मेरे को लगा कि ना ये कुछ दवाइयाँ वगैरह से ठीक हो जाएगा, कोई आयुर्वेदिक और अदर टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग या कुछ हमारे कोई इसको सेक करने से ठीक हो, लेकिन कोई परमानेंट इलाज नहीं हो पाया। अब जब मैंने ये सोचा कि इसकी सर्जरी करानी चाहिए, तो उस केस के अंदर मुझे ये लगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल थे मेरे पास, कईयों के नी परमानेंटली ख़राब हो गए या फिर उनकी स्टिक पकड़ के ही चल रहे हैं या रिडन टू बेड हो गए। तो ऐसे में मेरे को बहुत डर लगता था और बहुत सारे लोगों को लगता था। उसी की वजह से मेरे जैसी 70 के एज में लोग नी ऑपरेशन कराने या रिप्लेसमेंट कराने के लिए थोड़ा डरते हैं। डॉक्टर प्रियंक गुप्ता ने मेरे को इतना सर्जरी का जो पहले एक्सप्लेन किया मेरे को कि मेरे को सिर्फ 26 मिनट चाहिए, उसमें तुम्हारी सर्जरी पूरी हो जाएगी और इसमें मैं तुम्हें एक छोटा सा स्कार करूँगा अबाउट 5 to 6 inches और वही लाइन आपको नज़र आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वो एक यूनिक मेथड था, वो कोई स्टिचिंग नहीं करते हैं, वो सीधा ही उसको दोनों साइड ऑफ द स्किन को जोड़ देते हैं। आज की तारीख में जब मैं देखता हूँ तो मेरे को सिर्फ एक लाइन नज़र आती है, उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं उन फिजियोथेरेपिस्ट को भी कहना चाहूँगा जो जिन्होंने मेरे को हर चीज़ के लिए एक लॉजिक दिया कि हम इतना ऐसा क्यों करते हैं, इतना बेंड क्यों कराते हैं और इससे क्या होता है, और आपको धीरे धीरे कोई जितना आपका प्रेशर झेल सकते हो उतना ही काम करो, धीरे धीरे वो एक नॉर्मल हो जाएगा। तो इंटायर टीम के जो पॉजिटिव जो वाइब्स आती थी मैं जब हॉस्पिटल उसके बाद भी मिलने गया, तो उसने मेरे को इतना अच्छा कर दिया है और मैं आज बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने डॉक्टर सर्जन प्रियंक गुप्ता साहब का कि उन्होंने मेरे को हर तरीके से मेरे को हेल्प करी, और इंक्लूडिंग जो उनका रोल नहीं है वो भी कि हाउ द इंश्योरेंस क्लेम हैज़ टू बी मेड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू, हाउ द हॉस्पिटल विल टेक केयर ऑफ इट, वो सारी चीज़ें जो हैं आदमी को बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं गया एक रिजॉर्ट में गया और वहाँ पे घूम फिर करके आ गया और इस बीच में मेरी सर्जरी भी हो। और इस केस में सबसे बड़ा रोल हमारे सर्जन का था, डॉक्टर प्रियंक गुप्ता। उन्होंने पहले दिन से बोल दिया यू नेवर टेक ए स्टिक, अपने हाथ में स्टिक पकड़ना ही नहीं है, जितना चल सकते हो उतना चलो, डोंट ट्राई टू टेक सम सपोर्ट, अदरवाइज फॉर लाइफ टाइम यू विल बी विद द स्टिक। दैट आई कहना चाहिए कि मेरे को ये लग गया कि ये बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस है, लेकिन मेरे को वो फियर जैसे एक बारी मैं ओवरकम किया और मैंने जिस तरह से अपना ऑपरेशन हुआ और उसके एक दिन के बाद ही मेरे को थोड़ा बहुत तो चला दिया गया, तो उस केस में मैं आज ये संदेश देता हूँ हर आदमी को
कि जिसमें नी का प्रॉब्लम है सही जगह उसको डायग्नोज करें, और उसके बाद वो जो एडवाइस करे अगर नी रिप्लेसमेंट गया था उसको इमीडिएट करना चाहिए। और इसमें एज बैरियर कोई नहीं होता, कितनी भी एज में हो सकता है, क्योंकि मेरा एक्सकर्शन जो है ना मेरा एक हॉबी है, घूमना फिरना ये सब। ये तो पैर की वजह से मेरे को हमेशा ये लगता था कि भाई यार अब चलेंगे कैसे, चलूं तो स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग आती है तो पेन होता है, तो मैं पूरा अपने बेड पे या घर में ही दौड़ा घूमता फिरता होता था। नाउ आफ्टर द ईयर मैंने सब कुछ खाता हूँ, मतलब जो कहते हैं ना चीनी नहीं खाओ, मक्खन नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वेट बढ़ेगा, मैं सब कुछ खाता हूँ, उससे 6 किलो वजन गिर गया, क्योंकि आई एम एबल टू वॉक, इतना वॉक कर पाता हूँ कि मेरा जो कैलोरीज मैं बर्न कर लेता हूँ। तो दैट इज़ रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर गुप्ता SCD हॉस्पिटल फॉर गिविंग मी गुड गाइडेंस, सपोर्ट, मेंटल, एंड टुडे ऑल्सो वेन एवर आई टॉक टू हिम ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर गिविंग मी गाइडेंस ऑफ एनी सॉर्ट।